जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और उसके बहकावे में आकर माँ बाप की इज्जत को तार तार करके अपने माँ के सभी गहने और पैसे लेकर घर से भाग जाती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका कुछ ही पलों में कितना भयानक अंजाम होने वाला है। उसका यह घर से भागना उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। मेरा नाम सलमान है, मैं एक डॉक्टर हूँ जो एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपना क्लिनिक बंद करके अपने कार में सवार होकर घर के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दूर चलने के बाद ही रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश होने की वजह से सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। रात के करीब 11 बजे का वक्त था, सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। कुछ देर बाद अचानक एक कार के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। मैंने यह सोचकर शीशा नीचे किया कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो, लेकिन हालात कुछ और ही थे। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि एक जवान और खूबसूरत लड़की अंध नंगे लिबास में खड़ी थी। वह बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसके बाल गीले होकर जिस्म से चिपके हुए थे। जैसे ही बिजली चमकी तो रोशनी में उसके हुस्न की एक झलक देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने परेशानी की हालत में उससे पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने घबराई हुई हालत में कहा, मुझे बचा लीजिए साहिब, वह मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं और शायद वह मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर कसमकस में था, क्योंकि आजकल कुछ लोगों को लूटने के लिए इसी तरह की तकनीक अपनाते हैं। लेकिन इंसानियत के नाते उसके हालातों को देखते हुए उसकी मदद करने को भी मन कर रहा था। फिर मैंने उससे थोड़े सख्त लहजे में पूछा, लेकिन तुम हो कौन और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगी साहिब, लेकिन पहले मुझे यहाँ से कुछ दूर ले चलिए। वह किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी यह बात उसके मुंह में ही थी कि मुझे तीन आदमी अपनी कार की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। उनको देखते ही लड़की चीखने लगी कि वह मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज़ साहिब मुझे बचा लीजिए। मैंने सूरत हाल देखते हुए उस वक्त ज़्यादा ना सोचते हुए लड़की को हाथ से पकड़कर कार में खींच लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कार को फौरन आगे बढ़ा दी, जो पहले से ही स्टार्ट खड़ी थी। वह लड़की मेरे साथ वाली सीट पर डरे हुए चुपचाप बैठी रही। मैंने उसके जिस्म पर नज़र डाली तो जगह जगह खरोंच के निशान थे, बल्कि एक जगह पेट पर तो नेल पड़ा हुआ था। मैंने एक चक्कर काटा और कार वापस क्लिनिक की तरफ मोड़ ली, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज उसकी मरहम पट्टी करना था। तब तक बारिश का जोर भी टूट चुका था। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं दोबारा क्लिनिक के अंदर पहुंच गया। क्लिनिक का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लड़की को स्ट्रक्चर पर लिटा दिया और उसके जख्मों का मुआयना करने लगा। उसका लिबास पूरी तरह से फटा हुआ था। मैं एक एक जिस्म को साफ करके मरहम पट्टी कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। घर से अम्बी का फ़ोन था। मैंने उनको बता दिया कि मौसम की वजह से मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। अम्मी को तसल्ली देकर मुझे बेमुश्किल 20 मिनट और लगे और वह लड़की की मरहम पट्टी मुकम्मल हो गई। मैंने एक कमरे से एक नर्स का लिबास उसको पहनने के लिए दिया, जिसे उसने मेरी मदद से पहन लिया और दोबारा लेट गई। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और कहा, अब मुझे अपने बारे में मुकम्मल तफसील से बताओ। उसने नम आँखों से मेरी तरफ़ देखकर पहले मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुल्ताना है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने कॉलेज की एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैंने कई बार उसको मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता मांगने को कहा, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी मेरे मामा की लड़की से करना चाहते हैं, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुमसे ही शादी करूंगा।
चाहे घर से भागकर ही क्यों ना करनी पड़े। मैं शुरू शुरू में तो इनकार करती रही, लेकिन उसको खोने का डर भी दिन रात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए मैं घर से भागने और उससे कोर्ट मैरिज करने के लिए राजी हो गई। आज रात उसने मुझे घर से कॉल करके बुलाया और कहा कि जितना पैसा और जेवर घर में है लेकर आ जाओ, हम अभी निकाह करके किसी दूसरे शहर निकल जाएंगे। जैसे ही मैं उसके बताए पते पर पहुंची, तो देखती हूँ कि उसके साथ दो और भी दोस्त वहीं पर मौजूद हैं। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसके एक दोस्त ने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन मैं उनकी इस हरकत को समझ ना पाई, क्योंकि मुझे लगा कि उसने दरवाज़ा हमें सुरक्षित करने के लिए बंद किया है। कमरे में खामोशी थी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि क्या हुआ, अब तो मैं भी आ गई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन उसने मुझे इस बात का कोई जवाब ना दिया। मुझे उसकी खामोशी से डर लगने लगा था। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी, कहीं इनके मन में कुछ और तो नहीं है, यह मैंने क्या कर दिया। मैं उनकी इस खामोशी को देखकर दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी। फिर अचानक ही उसने अपनी खामोशी का बांध तोड़ा और बोला कि देखो सुल्ताना, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करूँगा। मैंने उसकी यह बात सुनकर घबराते हुए पूछा, कैसी शर्त? वह बोला, आज की रात तुझे हम तीनों को खुश करना होगा। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत डर गई, क्योंकि उसका यह रूप मेरे लिए नया था। मैंने उसके दोस्त से कुसामंद की और उससे कहा कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, मैंने तुम्हारे कहने पर घर, माँ बाप, भाई सबको छोड़ दिया और तुम मेरी वफा का मुझे यह सलाह दे रहे हो। वह खूब जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी को नरक बना लूँ और छुपता छिपाता अलग अलग शहरों में धक्के खाता फिरूँ? और वैसे भी जो लड़की अपने माँ बाप की 20 साल की मोहब्बत को भूलकर दो दिन के एक अजनबी लड़की के साथ भागने को तैयार हो जाए, तो उसकी क्या ज़मानत है कि वह कल मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं भाग सकती? चल चल अपना काम कर और ला यह गहने और पैसे इधर दे और जल्द ही हमारी शर्त को पूरा कर। इतना कहकर वह मुझे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। वह तीन थे और मैं अकेली, वह भी एक औरत जात। मुझे तीनों ने पकड़ लिया और मेरे कपड़े फाड़ कर मेरा जिस्म नोचने लगे। उसी दौरान बारिश की वजह से बिजली चली गई और मुझे वहाँ से निकलकर भागने का मौका मिल गया। आगे की कहानी आपको मालूम है। मैंने उससे अब नरम लहजे में पूछा कि अब उसका क्या इरादा है, तो उसने रोते हुए कहा कि अब कभी वापस घर नहीं जाऊंगी, उसके भाई और बाप उसे जान से मार डालेंगे। मैंने कुछ सोचकर अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को कॉल की और इस लड़की को बेसहारा लड़कियों के बाल केंद्र लेकर चले गए। हमने उसका दाखिला कराया और घर वापस लौट आए। जब मैं घर आया तो बिस्तर पर लेटे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रहा था कि न जाने रोजाना कितनी लड़कियां ऐसी हालात का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी के बहकावे में आकर माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर ऐसे किसी के साथ ना भागें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लड़का भी आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो। और लड़कों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद ना करें। धन्यवाद।